हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आंगनबाड़ी में जो है नई बहाली निकाल दी गई है, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और त्रुटि ना हो। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप जो है किस प्रकार से आप अपने गांव में, अपने वार्ड में जो चेक करेंगे कि आपके पंचायत में जो है किस वार्ड में कितना वैकेंसी सीट खाली है, ताकि आप जो है उसके विरुद्ध आवेदन कर पाए। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि आपको जो है आंगनबाड़ी में हर एक पंचायत वाइज जो है वैकेंसी निकलने वाली है। तो फाइनली जो है वैकेंसी लाइव हो चुका है, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करेंगे, चले ले चलते आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मैं जैसे वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर किस प्रकार से जाएंगे, तो आप जो है गूगल में सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, इस प्रकार से आपको सर्च करनी है। इस प्रकार से जो सबसे पहले वेबसाइट खुल के आएगा dshelpingforever.com, यहां पे दिखाई दे रहा है dshelpingforever.com, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है मैंने यहां पे देखिए लाइव अपडेट्स में जो है यहां पे मैंने पोस्ट लिख रखा है बिहार ICDS आंगनबाड़ी ऑनलाइन फॉर्म 2021। या आप जो है सरकारी जॉब वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है 10वीं 12वीं पास वाली जो सेक्शन है बिहार ICDS आंगनबाड़ी ऑनलाइन फॉर्म 2021, किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके ओपन करेंगे। अब जिसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख रखा है। देखिए यहाँ पे जो है पूरा जो है मैंने पोस्ट लिखा रहा है, आप जो है एक बार स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूरा पोस्ट लिख रखा है कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 16 जनवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट जो है 30 जनवरी, यानी बहुत ही कम समय है आपके पास। और मेरिट लिस्ट भी देखिए 8 फरवरी को निकल जाएगा और ऑब्जेक्शन जो होगा 9 से 17 फरवरी तक, और जो है आम सभा लगेगा जिसमें आपका जो सिलेक्शन कर लिया जाता है 19 फरवरी 2021 तक। एज लिमिट मैंने बताया है, एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास रखा गया है आंगनबाड़ी सेविका के लिए, और सहायिका के लिए जो है केवल 8वीं पास रखा गया है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जॉब लोकेशन बिहार है, और कौन आवेदन कर सकता है, तो केवल जो है फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर सकती है। नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आने के बाद से आपको जो है देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, अप्लीकेंट लॉगिन का है, उसके बाद यहाँ पे सीट वाइज मतलब कितने पंचायत में कितना सीट है ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड करेंगे तो गूगल ड्राइव में जो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि कब से लास्ट डेट है, कब तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है इसकी इन्फॉर्मेशन छपी हुई थी, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है कि कहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। मैंने पढ़ लिया है, आप जो इजीली हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ओवरऑल जानकारी पिछली वीडियो में दिया हुआ था। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आपके पंचायत में कितना सीट है, तब हम यहाँ पे आपको आवेदन करके दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम आप सबसे पहले क्लिक करते हैं यहाँ पे पंचायत वाइज सीट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। अब आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले पोस्ट को चूज करना है। सपोज यहाँ पे सेविका का मैं चूज कर रहा हूँ, सेविका सहायिका दोनों आएगा, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप चूज करेंगे ना तो उसमें ब्लॉक आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक जो है आ गया है। अब किस ब्लॉक में कितना सीट खाली है यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे भोरे में चूज करता हूँ पंचायत, यहाँ पे देखिए मात्र 3 आ रहा है, मतलब ये कि भोरे ब्लॉक में मात्र जो है 3 ही पंचायत में सीट खाली है। मतलब ये कि देखिए भोरे तो बहुत बड़ा है, अब ऐसा नहीं है कि 3 ही पंचायत होगा, काफी सारा पंचायत है, लेकिन जहां सीट खाली होगा ना वहीं यहाँ पे पंचायत शो करेगा। आपको चूज करना है पंचायत, व्यू पे क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से कास्ट का यहाँ पे जो है खाली है, BC फीमेल का खाली है। और यहाँ पे देखिए फेज 6 चल रहा है, पिछला वीडियो मैंने दिखाया था केवल फेज 5 दिखा रहा था। और यहाँ पे पोस्ट नेम सेविका है, वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर मतलब ये गांव का वार्ड नंबर होता है, तो इस गांव में जो है सीट खाली है, पंचायत नेम और ये डिस्ट्रिक्ट नेम शो कर रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनुसार जो है चेक करेंगे कि आपका जो है कहाँ पे सीट खाली है, कहाँ पे नहीं खाली है, जो यहाँ पे पंचायत दिखाई देगा उसी पंचायत में जो सीट यहाँ पे खाली है। अब जब आप यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि आपके क्षेत्र में सीट खाली है या किसी और भी क्षेत्र में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको फिर से आना होगा उसी वेबसाइट पे जहां से आपको मैंने लेकर आया dshelpingforever.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पंजीकरण करे का ऑप्शन खुल के आ जाएगा।
सेविका सहायिका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, देखिए ये जो है एनआईसी की वेबसाइट है, nic.in, बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का भी सेक्शन दिया हुआ है, होम का भी सेक्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जो है लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जहाँ पे पोस्ट का नाम चूज करना है, सेविका के लिए आवेदन कर रहे हैं या सहायिका के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो है पद का नाम चूज करेंगे, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद से अपना नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो केवल फीमेल लोग ही आवेदन कर सकता है, मेल के लिए नहीं है वैकेंसी। उसके बाद से वो अपना पति जी का नाम लिखेंगी, उसके बाद से यहाँ पे जो है जन्मतिथि लिखना है, जन्मतिथि यहाँ से कैलेंडर से चूज करेंगे। उसके बाद से अगर दिव्यांग है तो इसको टिक करेंगे, नहीं है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे। महिला यहाँ पे देखिए केवल आ रहा है, उसको से श्रेणी चूज करना है कि आप जनरल हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्या है, आपको अपने अनुसार चूज करेंगे। उसके बाद से एक ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही वाला लिखिएगा दोनों चीज। तो फ्रेंड्स मैंने जो है भोरे के लिए यहाँ पे सीट को चूज किया था, तो मैं देखिए यहाँ पे गोपालगंज चूज किया, प्रखंड में यहाँ पे भोरे चूज करता हूँ। जहां पे सीट खाली होगा वहीं का यहाँ पे डिटेल्स खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे पंचायत चूज करना है, तो देखिए रकवा और सिसई आ रहा था, तो यहाँ पे जो है सिसई मैंने चूज किया हुआ था। अब सिसई में यहाँ पे जो है वार्ड आ जाएगा खुल के, वार्ड नंबर 9। यानी ये फ्रेंड्स की जिसमें खाली है, जिस पंचायत में सीट खाली है उसी पंचायत का यहाँ पे नाम आएगा। काफी लोग बोलेंगे कि मैं भोरे चूज किया लेकिन जो है पंचायत मेरा सो ही नहीं कर रहा, तो फ्रेंड्स उस पंचायत में वैकेंसी है ही नहीं है कि यहाँ पे शो करेगा, इस चीज को ध्यान देनी है। उसके बाद से आंगनबाड़ी केंद्र संख्या यहाँ पे आपको चूज करना है, ऑटोमेटिक ये आएगा। एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अपने अनुसार ताकि वो याद रहे। सपोज आपका नाम अनिल है तो आप एक कैपिटल में रखिएगा, उसके बाद से अपना नाम लिखेगा ANIL@123। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार जो है पासवर्ड यहाँ सेट करेंगे। उसके बाद ये जो कोड दिख रहा है ऊपर में ग्रीन कलर का, आपके सामने कुछ और हो सकता है, उसको लिखेंगे और यहाँ पे पंजीकृत कर पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लिया है, अब यहाँ करेंगे पंजीकृत करें पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या है आप देखते हैं, यहाँ पे जो है ये सबमिट नहीं हो रहा है, ये टेक्स्ट बोल रहा है गलत। चलिए मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ और उसके बाद से हम करते हैं पंजीकृत करें। यहाँ पे देखिए लिख रहा है डेट इज ओवर, अब ये क्या बकचोदी है हमको समझ में नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार जो है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ओरिजिनल है PR, ये जो है प्रेस रिलीज नंबर है, आप कहीं से वेरीफाई करवा सकते हैं 2020-21। ये हेल्प्रेक सेक्शन नंबर है, हालांकि ये लगेगा नहीं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, लग जाता है तो अच्छी बात है लेकिन लगता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो ये नोटिफिकेशन आया है उसके माध्यम से अगर हम बात करें तो साला अभी तक आ जाना चाहिए था, यहाँ पे 16 जनवरी से 30 जनवरी 2021 तक रखा गया है। अब देखिए ये सरकार यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोई भी वैकेंसी हुआ बिहार पुलिस को ले लीजिए, या अभी डीएलएड का हो रहा था, आप सबको पता है बिहार डीएलएड में समय से जो है कोई चीज ये लोग करता नहीं है। अगर आप मेरिट लिस्ट की बात करें, आवेदन की बात करें, तो एक तो ढंग का किसी का वेबसाइट नहीं रहता है, ऊपर से ओवरलोड आने के बाद से वेबसाइट काम ही करना बंद कर देता है। तो ये सरकार फ्रेंड्स हम लोग के साथ खिलवाड़ करती है। देखिए इसका जो डेट है 16 तारीख से, आज हो गया 17 तारीख, फिर भी जो है यहाँ पे आवेदन नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख रहा है डेट इज ओवर, देख रहे हैं यहाँ पे डेट इज ओवर। तो ये क्या हम सोचे, क्या समझे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है सरकार क्यों इस तरह से खिलवाड़ करती है। सारा नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी यहाँ पे जो है आवेदन नहीं कर पाते हैं कैंडिडेट्स, तो ये जो है कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी कमी है। आप किसी भी वेबसाइट को उठा लीजिए, बिहार में जो भी वैकेंसी आती है सबका सब जो है यहाँ पे चौपट वेबसाइट निकाल जाता है, हालांकि ओरिजिनल ही रहता है लेकिन लो सर्वर पे काम करवाता है लोग, समय समय पर अपडेट नहीं करता है रिजल्ट। आप खुद सोचिए यहाँ पे जो है बिहार एसएससी का जो है इंटर लेवल एग्जाम हुआ था वो आज 9 साल हो गया, शायद 13 में आया था वो, 2013 में, उस समय हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे। तो सोचिए अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड एग्जाम भी हो गया, सारा चीज हो गया, तो कितना जो है थर्ड क्लास ये काम कर रहा है यहाँ का स्टाफ वगैरह जो भी है, किसी विभाग का मैं बात करूं वो लोग जो है थर्ड क्लास का काम कर रहा है यहाँ पे, समय से किसी को अपडेट नहीं करता। आप बताइए 16 तारीख से आवेदन शुरू है, 30 तक लास्ट डेट रखा ही है, मतलब 15 दिन 14 दिन का काम यहाँ पे आवेदन होगा, लेकिन जो है अभी तक वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट नहीं है। और यहाँ पे जो है रिक्तियों को एनआईसी की वेबसाइट पर जो है अपलोड करना था 14 जनवरी तक, मतलब फाइनल कर देना था कि कहाँ कहाँ रिक्तियां खाली है, वहां वहां जो है दिखा दीजिए कि कहाँ यहाँ यहाँ खाली है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आवेदन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं जो है सरकार की बल्ला बुराई कह दिया, अगर आपको कुछ कमेंट में कहना हो सरकार के बारे में तो अपनी अच्छी अच्छी कमेंट करें कमेंट बॉक्स में सरकार के बारे में। मैं जो एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, आपको आवेदन करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आवेदन होगा, तो वेट करिए। अभी आप जो पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इकट्ठा कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके पास समय है,
और नोटिफिकेशन में शेयर कर दिया हूँ, इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है गाइडलाइंस जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप जो गाइडलाइंस इजिली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से। यहाँ पे गाइडलाइंस बहुत जरूरी है, अभी पुराना वाला ही मार्गदर्शिका पे ये लोग जो है बहाली करवा रहे हैं, 2016 का ही मार्गदर्शिका है। आप जाएंगे ना इस वेबसाइट पे, जब यहाँ पे गो टू होम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सेविका सहायिका का मार्गदर्शिका है, उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट को यहाँ दिखाया नहीं है इन्होंने, उसके बाद से अप्लाई का लिंक है, वैकेंसी डिटेल्स है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, सही समय पे जो है किसी भी चीज को पब्लिश नहीं करते हैं। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल भी दिया, आप देख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम जो एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है आपको, और स्टेप बाय स्टेप उसमें हम बताएंगे ताकि आपको फिलअप करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहीं तक ये वीडियो रहेगा, अगला जो स्टेप होगा एक दूसरा वीडियो आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर सरकार के बारे में, और पता ना क्या ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर वेबसाइट को मैं देख रहा हूँ, बिहार की जितनी भी वेबसाइट है थर्ड क्लास की वेबसाइट के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है, थर्ड क्लास ही लॉन्च किया जा रहा है वेबसाइट को। बाकी अदर स्टेट का उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, या हरियाणा का देख लीजिए, इतना स्मूथ वेबसाइट चलता है, इतने अच्छे ढंग से वो लोग अपडेट करते हैं, टाइमली अपडेट करते हैं। रात को मान लीजिए कोई वैकेंसी आया 20 तारीख को, 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, लेकिन वो लोग रात को ही अपडेट कर देता है, यानी रात 12 बजे से ही जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ बिहार में क्या है, सब चौपट करके रख दिया है, सब का सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे ये लोग हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जो भी हो इन लोगों का इशू, लेकिन आपको मान लीजिए जो टाइम है उस टाइम बाउंड के अंदर काम करिएगा तो बेहतर रहता है ना। मान लीजिए वैकेंसी जिस दिन लाइव हो रही है उस दिन लाइव करिए, तो आप लोग सर्वर को अच्छे से नहीं रखते हैं, उसके बाद भी आप लोग लेट करके वैकेंसी को पब्लिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे देखी जा रही है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, तब तक आप वेट करिए, मैं जो लगातार इसे विजिट करके देखता रहूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए जाए तो, और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।